राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जालखेड़ा में बेरूलाल जी के घर पे आके बहुत अच्छा लगा हमको, और काफ़ी दिनों से इनका फ़ोन भी आता है, जहाँ मिलते हैं कहते हैं कि घर पधारो, लेकिन भगवान की कृपा हुई आज तो आज इनके घर पे आना हुआ। बहुत अच्छा लगा, सब घर परिवार वाले से मिले, और जो ये आजकल मेहनत कर रहे हैं अपने इस सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इन्होंने इतनी सी उम्र के अंदर ये इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मीडियम वर्ग के आदमी ने छोटे से गांव से उभर कर पूरे राजस्थान में नाम किया है। तो कहीं कहीं ये इनकी प्रतिभा छुपी हुई है जो धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है, और भगवान से कामना करेंगे कि ये आगे बढ़कर खूब नाम कमाए, खूब इनके वीडियो चले, और हमारे जो भी कार्यक्रम है वो इनके माध्यम से ही होंगे। अब आने वाली दो चार कथा है हमारी, वो इनसे कहेंगे कि भाई उस कथाओं का लाइव प्रसारण करेंगे ये हमारे साथ में, तो उस कथा के अंदर भी इनकी सेवा रहेगी। और जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो हमारे बिल्कुल अजीज मित्र है भी है, और भाई भी हम, और बचपन के साथी भी है, बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हीं रिश्तों से के कारण आज हम जालखेड़ा के अंदर और कहीं भी मिलते हैं तो दौड़ के प्रेम से मिलते हैं, दूर से ही नज़र आ जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और भगवान से अरदास करेंगे कि इनका ये जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इनके चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, और जो भी इनके लिए अपन कर सकते हैं वो अपन भाइयों को करना है, और इनको एक ऐसी जगह पहुंचाना है जिसकी वजह से ये हमें आगे पहुंचा रहे, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इनको भी आगे पहुँचाने का, तो ये अपने को करना पड़ेगा। और भैरूलाल जी से मिलके आज इनके परिवार वालों से माता पिता से मिले, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से इनके पिताजी से मिलने की इच्छा हो रही थी, आज भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की, और आगे से मिलते रहेंगे। और इनके जो घर परिवार के अंदर देखे हमने, यहाँ की जो मिट्टी से बने हुए कला आकृति की जो ये करते हैं, यहाँ पे कला दिखाते हैं, यही बहुत सराहनीय चीज़ है। और ऐसी कलाएँ कहीं कहीं गाँव में लुप्त हो गई, लेकिन आज भी इन्होंने एक छोटे से गाँव में इस कला को ज़िंदा रख रखा है, तो ये इनके पिता और माता की बदौलत है कि आज इस कला को जिंदा रख रखा है। और भगवान से ही कामना करेंगे कि इनके पिताजी को पूरे 100 वर्ष की उम्र दे और इस कला को जीवित रखे, और आगे ये कला आगे से आगे चलती रहे, और इनके चैनल को आप ये आगे बढ़ाने के लिए सब इनकी हेल्प करें। और राधे राधे, धन्यवाद सर। ठीक है, बरलाल जी।